हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, अभी ब्लड लाइन WWE की सबसे ज्यादा डोमिनेंट टीमों में से एक है, जिसमें शामिल है उसोस जो कि अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस एंड लॉन्गेस्ट रनिंग स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस। साथ ही साथ उस फैक्शन के हेड अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस जो कि है लॉन्गेस्ट रनिंग यूनिवर्सल चैंपियन। बट क्या ये फैक्शन और भी ज्यादा बड़ी बनने वाली है? क्या इसमें हमें और भी ज्यादा मेंबर्स ऐड होते हुए दिखने वाले हैं? तो क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है आज की इस वीडियो में, उसी के बारे में करने वाला हूं बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि क्या सेथ रॉलिंस की जगह कोई और बनने वाला है इस साल का मिस्टर मनी इन द बैंक। साथ ही साथ समर स्लैम के लिए रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के अलावा और कौन सा मैच ऑलमोस्ट हो चुका है कंफर्म? सो गाइस, सबसे पहले हम उसी समर स्लैम मैच के बारे में बात कर लेते हैं। देन गाइस, वो मैच कोई और नहीं बल्कि हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस पैट मैकेफी के बीच। जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में इनके बीच हमें थोड़ी बहुत बहस होते हुए दिखी थी, और इस वीक के स्मैकडाउन में हमें पैट मैकेफी चैलेंज करते हुए दिखते हैप्पी कॉर्बिन को समर स्लैम के लिए। सो ये बात कंफर्म हो चुकी है, हमें पैट मैकेफी समर स्लैम में रेसल करते हुए दिखने वाले और उनका मैच हमें देखने को मिलने वाला हैप्पी कॉर्बिन के साथ। सो समर स्लैम के लिए दो बड़े मैचेस सामने आ चुके, देखते आने वाले टाइम में हमें और कौन कौन से मैचेस ऑफिशियल होते हुए दिखते समर स्लैम के पेपर व्यू के लिए। वैसे आपको क्या लगता है हैप्पी कॉर्बिन एंड पैट मैकेफी के मैच में किसकी जीत होने वाली है, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। अब बात कर ली जाए सेथ रॉलिंस की जगह क्या कोई और बनने वाला है इस साल का मिस्टर मनी इन दी बैंक। देन आप सब जानते हो, जब से कोडी रोड्स इंजर्ड हुए, लोगों को 100% लग रहा है कि इस साल का मनी इन दी बैंक जीतने वाले सेथ रॉलिंस, बिकॉज उनका एंड कोडी रोड्स का WWE पार्ट 4 प्लान कर रही है चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 39 में। बट आप सब जानते हो भाई, जो चीज WWE में लगती है 100% होने वाली, उसी में डाउट हो जाता है, यानी कि सभी को लग रहा है सेथ रॉलिंस जीतने वाले इस साल का मनी इन दी बैंक कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है यहाँ पर कोई और ही जीतते हुए दिख जाए, जो कि हमें इस वीक के स्मैकडाउन में टीज भी होते हुए दिखा। एंड गाइस, वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि है ड्रू मैकएंटायर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो इस वीक के स्मैकडाउन में ड्रू मैकएंटायर ने खुद बोला है वो बनने वाले इस साल का मिस्टर मनी इन दी बैंक एंड वो कैशिंग करने वाले रोमन रेंस पर। सो आप सबको याद ही है, समर स्लैम के बाद WWE का एक काफी बड़ा पेपर व्यू होने वाला है UK में, जो कि है क्लैश एट द कैसल। एंड आप सबको पता ही है, अपडेट्स ये है कि वहां पर हमें रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकएंटायर का मैच देखने को मिलने वाला है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। सो ड्रू मैकएंटायर अगर ऐसे ही जाकर अपॉर्चुनिटी मांगते हैं तो ज्यादा कुछ भी सेंस नहीं बनने वाला। बट हां, अगर वो मिस्टर मनी इन दी बैंक बन जाते हैं और वो इस ब्रीफकेस के बदले चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मांगते हैं, तो जरूर से सेंस बनने वाला है और हो सकता है WWE ऐसा कर दे, बिकॉज ड्रू मैकएंटायर को WWE स्मैकडाउन का टॉप बेबी फेस मांगती है और उन्हें एक स्कॉटिश वॉरियर की तरह दिखाने के लिए इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे सकती है क्लैश एट द कैसल में। सो आप सब कह सकते हो सेथ रॉलिंस के लिए एक काफी बड़ा खतरा है मनी इन दी बैंक के पेपर व्यू में, जो कि है ड्रू मैकएंटायर। एंड यस, इस वीक के स्मैकडाउन में शॉर्ट जी ऐड हो चुके हैं वुमेन्स मनी इन दी बैंक लैडर मैच में, और सैमी ज़ेन ऐड हो चुके हैं मेंस मनी इन दी बैंक लैडर मैच में शिंस्के नाकामुरा को हराकर। वैसे गाइस, आप किसे बनते हुए देखना चाहते हो इस साल का मिस्टर मनी इन दी बैंक, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। अब फाइनली बात कर ली जाए अपने फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है ब्लड लाइन से। तो आप सब जानते ही हो, इस जनरेशन के फैंस को शील्ड के बाद जो सबसे ज्यादा डोमिनेट टीम लगती है वो है ब्लड लाइन। जैसा कि अभी हम सब स्मैकडाउन में देख ही रहे कि वो बने हुए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। बट हाँ, काफी टाइम हो चुका है हमें ब्लड लाइन में यही तीन मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जे उसो, जिमी उसो एंड रोमन रेंस, और कोई भी हमें समवन सुपरस्टार ऐड होते हुए नहीं दिख रहा है। पहले WWE कुछ प्लान कर रही थी नाया जैक्स वगैरह से, बट हाँ वो तो अभी रिलीज हो चुकी है। लेकिन गाइस, हो सकता है हमें ब्लड लाइन में और दो मेंबर ऐड होते हुए दिख जाए। सबसे पहले तो सोलो सिकोवा एंड दूसरे है डैमियन विडॉर्ट, जिन्हें आप सब ज़ायन क्वीन के नाम से NXT में जानते होंगे। सो सबसे पहले सोलो सिकोवा के बारे में बात कर लीजिए। देन आप सब जानते हो वो उसोस के ब्रदर है, और वो चाहते थे कि पहले वो अपना नाम NXT में बनाए, फिर वो आकर मेन रोस्टर में काम करे उसोस के साथ। और आप सबको बता दूं, रिकी सी जो कि उसोस एंड उनके फादर है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जहां पर उन्होंने इस बात को कहा कि वो 200% कंफर्म है कि उनके सन सोलो सिकोवा ज्वाइन करने वाले हैं ब्लड लाइन को। यानी कि आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो सोलो सिकोवा जब भी मेन रोस्टर में आएंगे, उनके चांसेस सबसे ज्यादा यही है कि वो ज्वाइन करने वाले हैं ब्लड लाइन को। वहीं बात कर ली जाए डैनियल विडॉर्ट, जिन्हें आप सब NXT में ज़ायन क्वीन के नाम से जानते होंगे। सो अगर आप सब काफी पहले से इस चैनल से जुड़े हुए होंगे, यानी कि लगभग 2 साल पहले से, देन मैंने आप सबको अपडेट दी थी कि डैनियल विडॉर्ट ने साइन कर लिया है WWE के साथ। वो हमें काफी जल्द WWE सुपरस्टार बनते हुए दिखने वाले हैं, एंड जैसा कि वो हमें अभी NXT में देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात कर ली जाए उनके क्यों चांसेस है ब्लड लाइन में ऐड होने के, देन गाइस सबसे पहले तो वो एक समोअन है और उनका बाकी सारे स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा नाम है, एंड उनके और रोमन रेंस के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं। NXT में भी उन्हें अच्छा बुक किया जा रहा है, तो आप सब कह सकते हो अगर वो मेन रोस्टर में आते हैं देन WWE उन्हें एक अच्छा स्टार्ट देने के लिए ऐड कर सकती है ब्लड लाइन में।
जो कि काफी लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। और आप सबको पता ही है WrestleMania 39 में WWE रोमन वर्सेस ब्रॉक का मैच प्लान कर रही है, तो क्या पता उसी के आसपास हमें ये सारी थिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि रोमन वर्सेस रॉक की फ्यूड में अगर हमें फैमिली वाली थिंग इन्वॉल्व होते हुए दिखती है तो डेफिनेटली से रोमन वर्सेस रॉक का मैच जो कि पहले से काफी ज्यादा बड़ा है वो और भी ज्यादा बड़ा एंड पर्सनल बन जाएगा। सो ब्लड लाइन में अगर कोई न्यू मेंबर ऐड होता है देन आप सब कह सकते हो चांसेस ज्यादा यही है कि वो होने वाले सोलो सिकुआ एंड डेनियल विडॉट। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना कि आप क्या चाहते हो, ये दोनों समूहंस ऐड होने चाहिए ब्लड लाइन में या फिर रोमन रेंस एंड उसोज ही सही है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।